पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। देखो जी, मामलों तो रास्ते को, लेकिन मुकदमे बाजी में वो मामलों उलझ गया है। दोनों तरफों मुकदमा दर्ज हो चुका है। पक्का सारना रहा मामलो है, रास्ते रो मामलो है। और दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज पवन ब्यास के पक्ष में आज उतरा है। वहाँ प्रदर्शन करो, एसपी ऑफिस के आगे पहुँचा, वटे प्रदर्शन करो। वहाँ आई कहो कि मैं भी ईंट ऊँट बजा देंगा। भाई दूसरी तरफ जगह धरना लगा बैठे है, भीम आर्मी मंगो समर्थन करने लग रहा है। वह कहे मैं काल यानी 26 अप्रैल ने मैं हनुमानगढ़ जंक्शन के माँ चक्का जाम करांगा। आओ तुम सुनावा, ब्राह्मण समाज राज्य का पदाधिकारी आज पहुँचा, बांगो ही मसले लेर के कहना है। मैं जो पवन कुमार व्यास हमारे ब्रह्म विप्र बंधु हैं, उनके साथ जो एसटीएससी मुकदमा लगाकर इस मुकदमे की आड़ में खेत से एक नजायज रास्ता लेने के लिए जो प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ संपूर्ण हनुमानगढ़ के ब्राह्मण समाज ने रोष जताया है कि ऐसा मुकदमा लगाकर किसी भी ब्राह्मण बंधु को हम दबने नहीं देंगे। अगर कोई दूसरा समाज या कोई और भी हमारे बीच भाईचारा खत्म करने का प्रयास करता है, तो अगर वो चक्का जाम करे तो ब्राह्मण समाज भी इसके लिए तैयार है। किसी से नजायज़ धोखा और कुछ करने के लिए हम पूरा ब्राह्मण समाज है वो तैयार है। कानूनन कोई रास्ता लेना चाहता है, हम देने के लिए तैयार हैं। कानून जहाँ चाहता है वहाँ तैयार है, लेकिन पुलिस से लड़ाई झगड़े से ब्राह्मण समाज को दबने नहीं दिया जाएगा। वार्ता में एसपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि नजायज़ मैं कुछ नहीं करूँगा, पूरी जाँच चल रही है, जाँच के बाद जो कुछ होगा दोषी होगा उसको दोष दंड दिया जाएगा। अनिल तिवाड़ी, जिला उपाध्यक्ष, पक्का सारना का मंडल अध्यक्ष हूँ। धरना प्रदर्शन करनो भी यहाँ तो प्रजातंत्र में सारा खातर है, देड़ो है कि धरनों कोई भी लगा सके, अपनी मांग उठा सके। पर जी का ब्राह्मण समाज है वह आई कवे कि धोखा धड़ी कर है मुकदमा दर्ज कराया गया है, SC ST का मुकदमा है, झूठो है और दबाव री राजनीति चलन लाग रही है। आओ थाने प्रदीप एरी के कहने लाग रहे हैं, वह भी सुना दें। आज हम लोग SP साहब को मिले थे, अभी जो हमारे पक्का सारना के पवन जी हैं उनके खिलाफ जो यहाँ पे मुकदमा दायर है उसी के विषय में हम लोग यहाँ पे मिले थे। क्योंकि ये जो फर्जी मुकदमा दायर करके दबाव बनाने का जो एक तरीका है ये बिल्कुल गलत है और गलत परंपराएं हैं। आज समाज का एक वर्ग के कुछ लोग उठ के नाजायज़ तरीके से झूठे मुकदमे दायर कर किसी को दबाने का प्रयास करेंगे या किसी समाज को दबाने का प्रयास करेंगे तो उसका पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। आज हज़ारों की संख्या में यहाँ पे बंधु आए हैं और सांकेतिक तौर पे सिर्फ आज हमने ये कहा है कि अगर आप इसे समाजों की लड़ाई बनाना चाहते हैं, हमने शुरुआत नहीं की पर पीछे नहीं हटेंगे। आज अगर चक्का जाम की बात है तो हम जिला बंद करने के लिए, शहर बंद करने के लिए एक मिनट में तैयार हैं। दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए, दबाव का तरीका नहीं होना चाहिए। कानून के अंदर आप दो बार केस हार चुके हो, आपका रेवेन्यू बोर्ड में केस चल रहा है, आप इंतज़ार करिए रेवेन्यू बोर्ड का जो नतीजा होगा हमें स्वीकार्य है। प्रशासन जो न्याय संगत काम करेगा वो स्वीकार्य है, पर धक्काशाही और आज SC ST केस को या महिला उत्पीड़न केस को हथियार बना के अगर किसी एक शरीफ आदमी के ऊपर कोई अत्याचार किया जाता है तो पूरा का पूरा समाज, और मैं पूरा समाज क्या कहता हूँ, सर्व समाज उसके खिलाफ खड़ा होगा। क्योंकि ये निहायत गलत परंपराएं और ऐसी परंपराएं को हम कभी भी एक पढ़ा लिखा वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। SP साहब ने कहा है कि इसमें बिल्कुल न्याय संगत होगा, कहीं जाति नहीं होगी और हमें उन पर भरोसा है कि वो न्याय संगत करेंगे। ब्राह्मण समाज रा पदाधिकारी प्रदीप एरी आई कहो है कि भीम आर्मी और धरना लगाने वाला कहे कि मैं जाम लगावांगा, और प्रदीप एरी कह दियो ए जाम लगासी तो मैं फिर जिलो बंद करा देंगा। इं तरह की बात आपस में होने लग रही है। आरोप प्रत्यारोप रो दौर है जिको जारी है। भीम आर्मी आला की कहे और ब्राह्मण समाज आला अपने पर जिका मुकदमा वह दर्ज करा रखे है वह झूठा बतावे। अब पुलिस के करे इंगमा वह देखने वाली बात है। हालांकि पुलिस SP कहो है कि मैं न्याय संगत बात करूँगो। अब देखने वाली वही बात है कि एक तरफ भीम आर्मी और धरना लगाने वाला जंक्शन में जाम लगाने लाग रहा है और दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज भी अपने ऊपर जिका मामला दर्ज होएड़ा है पर झूठा बताने लाग रहा है, उलझ रहा है। अब मामलों देखा के होवे।